हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है दही पूरी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी आटा लेंगे, उसमें हम मिलाएंगे एक कटोरी सूजी, उसमें 1/4 कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये आटा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे 20 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा आटा लेकर छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। हमें चारों तरफ से बराबर बेल लेना है। इसे ना ही ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें हम पूरियों को तल लेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें तल लेंगे। अब ये पूरियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक कटोरी दही में 4 चम्मच चीनी डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाकर रख देंगे। अब दही पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पूरियों को हम बीच से फोड़ लेंगे, इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए मैश्ड आलू। बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें हम दही डालेंगे जो हमने चीनी मिलाकर रखा था। इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी। थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सेव डाल देंगे।
लास्ट में हम इसके ऊपर भुने हुए जीरे का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। हमारी दही पूरी बनकर तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब